अपनी फ्रेंड अपर्णा से मिलने जाती है। सुप्रिया हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती है और भगवत गीता पढ़ती है। और तो और सुप्रिया को अपनी जॉब में प्रमोशन भी मिल जाता है क्योंकि वह अपनी जॉब में कॉन्सेंट्रेट कर पाती है। एक दिन उसको याद आता है कि उसे अपनी फ्रेंड अपर्णा से मिलने जाना चाहिए। तो अपर्णा से को फ़ोन करती है, तब उसको पता चलता है कि अपर्णा की तो ओवर ड्रग्स के कारण डेथ हो गई है। तभी सुप्रिया ये सुनकर बहुत परेशान होती है। तभी सुप्रिया अपनी दूसरी फ्रेंड साक्षी से मिलने जाती है। हे साक्षी, हाउ आर यू? यार क्या बताऊं, ठीक ही हूँ। क्या हुआ यार? यार मेरी जॉब चली गई है। और तुझे तो पता है ना अपर्णा, अब अपर्णा भी हमारे बीच नहीं रही। यार तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर विश्वास रख। भगवान पे विश्वास रख। वाह, ये भगवान भगवान कुछ नहीं होते हैं। होते तो आज मुझे इतनी परेशानियां होती। प्रॉब्लम ये नहीं है यार, प्रॉब्लम ये है कि हम अपना ट्रेडिशन और कल्चर भूल चुके हैं और हमने वो कल्चर अपनाया है, हम एक्सप्लॉइट कर रहा है और हम ब्लेम करते हैं भगवान को। पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोले जा रही है। कुछ भी नहीं बोल रही हूँ यार, मैं हर रोज भगवत गीता पढ़ती हूँ। और तू भी पढ़, तुझे सब समझ आएगा, वो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ। ओ प्लीज यार, एक तो मैं ऑलरेडी परेशान हूँ और तू मुझे भगवत गीता पढ़ने को बोलती है, भगवान पे विश्वास करने को बोलती है। अरे मैं आज के साइंटिफिक वर्ल्ड में जीती हूँ जहाँ पे लोग एक देश से दूसरे देश उड़ के जाते हैं, हम कभी भी कहीं पे भी किसी से भी बात कर सकते हैं। बात करती भगवत गीता पढ़ने की, प्लीज आई कांट गो बैक टू दैट ओल्ड एंड डार्केन एज। तू तो ऐसे कह रही है जैसे अभी हम बहुत एनलाइटेंड एज में हैं। एनलाइटेंड एज में होते हुए भी हमने अपर्णा को खो दिया। और तू तो जानती है ना यार, मैं कितना डिप्रेस थी अपने लाइफ में। और हमारे जैसे कई लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं। बट स्टिल यार, आई कांट गो बैक टू दैट ओल्ड एंड डार्केन एज। मैं भगवान पे ऐसे कैसे अंधाधुन विश्वास कर लूं? अगर तुम भगवान को अंधाधुन एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो तुम भगवान को अंधाधुन रिजेक्ट भी नहीं कर सकती। तू ये कैसे कह सकती मैं भगवान को अंधाधुन रिजेक्ट कर रही हूँ? अच्छा ये बताओ, तुमने साइंस कितने साल पढ़ा? कोई 15 से 20 साल। और भगवत गीता कितनी बार पढ़ी? फिर से शुरू हो गई। प्लीज, मैंने ना कभी भगवत गीता देखी है और बात करती है पढ़ने की। तो जब तूने उसे पढ़ा ही नहीं तो तू कैसे कह सकती है कि ये सब कल्पना है? किसी चीज को जाने या समझे बिना हम कैसे कह सकते हैं वो कल्पना है? सुन, हम कॉलेज गए, हमने फिजिक्स पढ़ा, हमने केमिस्ट्री पढ़ा, हमने एग्जाम्स दिए, हमने प्रोफेसर को टाइम दिया। जब मटेरियल एजुकेशन को हम इतना टाइम दे सकते हैं तो व्हाई नॉट वी शुड गिव टाइम टू अवर स्पिरिचुअल एजुकेशन? व्हाई? एंड यू नो, विदाउट सफिशिएंट नॉलेज अंडर प्रॉपर गाइडेंस रिजेक्शन इज टोटल एंड टोटल ब्लाइंडनेस। यार सुप्रिया, तूने इतना सब कुछ कहाँ से सीखा ये सब कुछ? यार तुझे तो पता ही है ना यार, कुछ समय पहले आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड, मैं बहुत डिप्रेस थी। तब से मैं ये चैंटिंग कर रही हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ। एंड यू नो, आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ, वेरी हैप्पी।
पीछे आंटी? मंत्रा, व्हाट इज दिस यार? और क्या इन सबको करने के लिए मुझे सब कुछ छोड़ देना होगा? नहीं, यही तो एक अच्छी बात है. दिस इज वेरी सिंपल मंत्रा, और इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. दिस इज वेरी सिंपल मंत्र. और तुझे पता है, मैं हर रोज 5 माला जप करती हूँ. हर रोज माला? हाँ. और यू नो, मैं बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होके अपना काम कर पाती हूँ. एंड लास्ट वीक ही मेरा प्रमोशन हुआ है. प्रमोशन? हाँ. अबे कांग्रेचुलेशन यार. तू भी माला कर यार, यू विल बी हैप्पी रियली. हाँ यार, साक्षी अपनी फ्रेंड की बात. सीरियसली, आई एम इम्प्रेस्ड. मैं सच में फॉलो करूंगी यार. मैं बहुत अच्छा लगा यार दिल से तुझे सुन के. साक्षी अपनी फ्रेंड की बात से काफी इम्प्रेस हो जाती है और रोज माला करती है, भगवत गीता पढ़ती है और तो और इस्कॉन गर्ल्स फोरम में एनरोल भी करा लेती है. सुप्रिया अपनी फ्रेंड को IGF लेकर जाती है और वहां पे IGF क्लास